एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और मैंने जस्ट शावर लिया है, जो कि मुझे नहीं लेना था क्योंकि थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती, बट इमरजेंसी बाल धोने ज़रूरी थे। अभी थोड़ी देर पहले मेड काम करके गई है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके और हम लोगों ने किया है आज दलिया का नाश्ता। तो ये अच्छा था कि आज मेड आ गई और मैंने नहाने के बाद क्रीम लगाई है और लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक मैंने ग्लॉस में लगाई है, कारण ये है कि आपके जो होंठ जो रहते हैं कोल्ड एंड कफ में बहुत ड्राई होते हैं, इसलिए मैंने ग्लॉस लगाई है। और बस, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील करना था इसलिए मेरे को लगा कि सिर्फ मॉइस्चराइज़र और लिपस्टिक लगाई, काजल वाजल कुछ नहीं लगाया मैंने, ना आईब्रो फिल करी ना कुछ, बस यही सब किया है मैंने। तो फिर अब मैं सोच रही थी कि मैं जाके लंच बनाऊंगी और लंच में मैं सोच रही हूँ आज बनाने के लिए कढ़ी, पकौड़ी वाली। और पकौड़ी वाली कढ़ी की रेसिपी मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं जो बना रही हूँ वो मैं रिकॉर्ड करती जाऊँ। और नेक्स्ट प्लान है मेरा मखनी दाल का, उसके बाद मैं बनाऊँगी मंचूरियन। आज ही सब नहीं बनाऊँगी, एक एक दिन छोड़ के। मैं दो तीन तरह से कढ़ी बनाती हूँ बट मैं आज बनाऊँगी पकौड़ी वाली। और जब मैं और बनाऊँगी अलग अलग तो मैं वो भी दिखाऊँगी कि पकौड़ियाँ सॉफ्ट रहने के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो कढ़ी होती है उसकी जो पकौड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। मीन सॉफ्ट रहनी है कढ़ी की पकौड़ी तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो क्या करना चाहिए। और मेरी नाक है ना यहाँ से पूरी लाल हो गई, छिल गई है मेरी नाक, इन शॉर्ट यहाँ से। तो हाँ, और उसके बाद मैंने प्लान किया, आज मैंने पूरा दिन प्लान करके रखा है अपना। उसके बाद मैं पकौड़ी वाली कड़ी को एडिट करूँगी। उसके बीच में मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना चाह रही थी, वो था सिक डे में इफ़ यू वांट टू गो आउट, तो आपको कैसा मेकअप और कैसा क्या जो मैं करके जाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी, तो वो मैं शूट करने वाली हूँ। और आज दो चीज़ मैंने ये सोचा है और उसके अलावा कुछ हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ सही है, इतना मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी जा रही है और कैमरे की बैटरी जाएगी तो हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे। तो मैं जाके इसे चार्जिंग पे लगाती हूँ, उस बीच में जाके मैं थोड़ी बहुत कड़ी की तैयारी करती हूँ और उसके बाद उसे रिकॉर्ड करती हूँ, उसे शूट करती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली आपसे आके बात करूँगी। बाय। सो फाइनली एक रेसिपी मैंने शूट कर ली है और कढ़ी बन चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसी दिख रही है। उसके बाद मैं जा रही हूँ चाय बनाने और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, अभी हम लोग चाय पियेंगे और थोड़ा बहुत नाश्ता, मतलब शाम का नाश्ता करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया। उन्होंने बोला कि उन्हें अभी भूख नहीं है, सर्दी में भूख नहीं लगती, तो मैंने कढ़ी बना दी है। इन केस अगर हम लोग खाना होगा तो मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो मैं आपको दिखाती कढ़ी चल के। कढ़ी और ये कढ़ी में है पकौड़ी, और पकौड़ी जो इसके हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ये प्याज के साथ तड़के में कढ़ी, और गाइस यू वोंट बिलीव इट, ये बहुत ही डिलीशियस होती है। और इसकी रेसिपी और इस कढ़ी की रेसिपी आ जाएगी फ्राइडे को 11 बजे, मतलब कि जब आप इस वीडियो को, व्लॉग को देख रहे होंगे, तो इस व्लॉग को देखने के बाद वो रेसिपी को देखना मत भूलिए। और आप में से जो जो ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब करिए वहाँ पे जाके। और मैं आपको इजी सिंपल रेसिपी बताती हूँ इंडियन, और इसके बाद आने वाली है मखनी दाल और सिज़लर की रेसिपी। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद, मैं जा रही हूँ चाय बनाने और मेरे कैमरे की बैटरी जा रही है, मैं इसे चार्जिंग पे लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे ब्लॉग कर पाऊँगी। बाय। तो फाइनली मैंने अपनी जो कुकिंग वीडियो है वो एडिट कर ली है और मैंने कॉम नहीं किया अभी तक, आप सोचिए। और लिटरली उसे एडिट करने तक ठीक था, जब वॉइस ओवर किया तो एक बार खांसी, दो बार स्नीजिंग हो रही थी मुझे, मतलब बार बार कुछ ना कुछ। और फाइनली जब हो गया वो तो मैंने वैसा ही डाल दिया है। तो उसमें हेलो एवरीवन मैंने बोला था और आ रहा है हेल वन, मतलब इंट्रो है उसका हेल वन, मतलब मैंने हेलो एवरीवन बोला था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो हाँ, तो वो वीडियो अब आ जाएगी कल 11 बजे, मैं कितनी बार बताऊँगी। तो देखिए मैं भी खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। ये है कढ़ी और पकौड़ी, तो मैं इसे खा रही हूँ, भूख बहुत लग रही थी मुझे।
और किस किस को ये दिक्कत है कि जब भूख लगती है आपको तो आपको वॉमिटिंग आने लगती है। मुझे जब भी भूख लगती है, मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। अमेजिंग। और मैं इसे खा रही हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बात करूंगी। इत्मीनान से बैठ के खाना चाहती हूँ मैं। मैंने कढ़ी और चावल खा लिए हैं और अभी हो रहे हैं 7, तो आई थिंक मेरा डिनर ऑलमोस्ट हो गया है। मैं डिनर नहीं करूँगी दोबारा। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी और अपनी वो वाली टी और काढ़ा ही करूँगी, और कुकिंग जो जोन की वीडियो है वो भी सेव हो गई है। और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, अभी जल्दी आ रहे हैं वो। उन्हें भी कई बार कुछ कुछ सूझता है, उनका काम ख़त्म हो गया था तो उनने बोला कि, और दोनों जो काम करने वाले लड़के हैं वो आ गए, तो उनने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है और आपको थोड़ा घूमने फिरने मिले तो तबीयत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ज़्यादा रेस्ट करना भी आपको ज़्यादा सिक करता है अकॉर्डिंग टू मी। और एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने सो रहा है। उसके लिए इतने सारे आते हैं कि आप बोजो का ब्लॉग, बोजो को, बोजो बोजो के लिए ब्लॉग करिए, बोजो के लिए हमने सब्सक्राइब किया है, और हम क्या, मैं क्या कर सकती हूँ। वो आता ही नहीं है, वो सोता ही रहता है। एक्चुअली शाम का टाइम उसके सोने का है, दिन में वो एक्टिव रहता है। उस टाइम मेरे को, आज जैसे जब मैं कड़ी बना रही थी तब वो एक्टिव था, पर मेरे पास टाइम नहीं था। उसी सचमुच लेट मी शो यू वो कहाँ सो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। उसके कान थोड़े इधर उधर हुए, बट ही वॉन्ट्स टू स्लीप ओनली। अब आप देख रहे हैं मौसम, उसे ठंड लग रही है जबकि फैन भी नहीं चल रहा है और उसे ठंड लग रही है। तुमने खाना खा लिया? सबको बता रहा मैंने खाना खा लिया। तुमने खाने में क्या खाया आज? मैंने खाने में दूध पिया था। आ मैंने खाने में थोड़ी सी पतीली खाई है। ओ चलोगी? नीनी आई है मुझको, मैं अभी कहीं नहीं चलूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गॉड, ये काफ़ी गर्म लग रहा है मुझे। मैं सुबह से ध्यान नहीं दिया, आई थिंक इसे फीवर है। एक तो ये मौसम आप देख रहे हैं ना, नहीं फीवर नहीं है, फीवर नहीं है, फीवर नहीं है। खेलो ना प्लीज, खेलो ना, थोड़ा सा खेलो ना, चलो थोड़ा सा। बाबू पता तो मोटे हो गए, तो टेबल लग जाएगी, इस साइड हो ऐसे, तो उठोगे तो टेबल लग जाएगी ना। उठी सो जाते हैं। किस ढंग से सो रहा है, मतलब नहीं, ही जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, वो सिर्फ और सिर्फ सोना चाहता है। और मेरे हस्बैंड आके बहुत गुस्सा होने वाले हैं क्योंकि मैं बातें कर रही हूँ और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ तैयार हो जाना। और आज की जो तबीयत अपडेट देती मैं आपको, कल सर्दी ज़्यादा थी, आज सर्दी 20% कम होगी, बट खांसी ज़्यादा है। मतलब इवन इतनी हो गई है कि मेरा जो थ्रोट है ना वो छिल गया है। और जब भी मैं थोड़ा बहुत खांस रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ब्लीडिंग हो रही है, वो पूरा छिल गया है, आप समझ रहे हैं। तो मैं बेनाड्रिल का भी ड्राई कफ सीरप है वो ले रही हूँ, क्योंकि
बहुत गंदी हालत हो गई, मतलब ब्लीडिंग हो रही मुझे हल्की हल्की एकदम. ओह माय गॉड. सो और पानी मैं एकदम उबाल के पी रही हूँ अब इसके कारण. मैं जा रही हूँ तैयार होने, वरना क्या होने वाला है. तो मैं अभी तैयार हुई हूँ और जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा सा आई शेडो कंसीलर और आईब्रो मैंने शायद कुछ ज़्यादा फिल कर दी जो मुझे लग रहा है, बस इतना. और हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे. राजा गाना गा दो एक लॉन्ग ड्राइव पे. चल चल खिलाड़ी गॉड. सो हम लोग निकलते हैं उसके बाद आपसे कार में बात करती हूँ. तो इस लॉन्ग ड्राइव का मेन रीज़न ये था कि आज हम लोगों ने 7K प्लस सब्सक्राइबर पूरे करे है ना. और इसलिए ने मेरे से बोला, मुझे पैसा समझ में नहीं आया, मेरे को लगा एकदम से रैंडम प्लान किस लिए बना, और मुझे लगा कि इन्हें तो मुझे विश भी नहीं किया है. और फिर इन्हें बोला कि मैं विश नहीं, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहता था, उसके बाद मैं विश करता. फिर इन्हें बोला केक काटते, फिर मैंने बोला नहीं मेरा गला ऐसा नहीं है कि मैं केक खाऊँ. और आपका कौन सा गला ऐसा है कि आप केक खाओ. तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमी घूमी करने. और जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि आप जा कहाँ रहे हो. और आई थिंक मेरे को स्नीजिंग होने वाली है. सबसे बुरी फीलिंग वो होती है जब आपको लगता है कि आपको छींक आएगी और आपको छींक नहीं आती है. हाय. तो आपकी अभी जो कोल्ड है, जैसे मेरी अभी है, आपकी उससे बेटर है या क्या? आपसे थोड़ी बेटर है. हाँ तो दवाई ना लेने का, आज हम लोग जाके लेंगे स्टीम. मैंने स्टीम अकेले नहीं ली, मेरे को लगा कि जब मैं स्टीम लूंगी तब ये स्टीम. बिफोर यस्टरडे मेरी भी यही हालत थी. हाँ मतलब कि हम लोगों को हुआ है जैसे इनकी जब ढलने लगी सर्दी तब मुझे हुआ, तो ये सही था. और खाना तो मेरे को आपको पता ही है बना रखा है, इन्हें खाए नहीं थे कड़ी चावल, मैंने भी खा खाए थे. तो बाहर खाऊंगा चिली पनीर. नो प्लीज कमेंट करिए कि बाहर खाना इज नॉट गुड एवरी टाइम बाहर. और जब मैंने घर में खाना बनाया भी है उसके बाद भी नॉट चिली चिकन. आज थर्सडे है. हाँ तो मैं तो पूरी की पूरी पेट भरा हुआ है मेरा, तो मुझे टेंशन नहीं है. मुझे अगर भूख लगेगी तो फिर मैंने तो आपको बोला ही है कि मैं ग्रीन टी वगैरह पीऊंगी भी जाएंगे. और आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर बाहर खाना है, मुझे ऐसा लगता है इन्हें बाहर खाना है, मगर इन्हें बाहर खाना है. और फिर इन्हें कोई दिक्कत होती है फिर मैं बोलती और खा लो, और खा लो बाहर. तो पैनाडिल ड्राई उसे पी के ना ऐसी नींद आती है. कप सिरप में कुछ होता है ऐसा जिसके कारण नींद आती है? कप सिरप में होता है नशा. आई थिंक मैं अपने उसमें 1K प्लस और 7K प्लस सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करी. कुकिंग जोन में भी 1K प्लस हो चुके हैं. ये डबल पार्टी. वो बहुत पहले हो गए थे. के फेसबुक पेज बना रही हूँ चांदनी कुकिंग जोन का, वहाँ पे जाके मैं रेसिपी अपलोड करूँगी जो मैं यूट्यूब में भी कर रही हूँ. तो उस पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप ब्यूटी जोन कर रहे हैं. लव करें, एवरीबॉडी लव्स मी है ना. हाँ देखो कितनी जलन हो रही है. ओह माय गॉड एवरीबॉडी लव्स मी में एंड नहीं एवरीबॉडी लव्स मी. ओहो जल गए. बहुत तरह के हाँ इश्क वाला लव. वो तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ इश्क वाला लव. तो ये है प्यार वाला लव. दोस्ती वाला है प्यार वाला लव. इश्क वाला. वाह मेरी आंखों का कलर चेंज हुआ था. और मुझे एक ट्यूटोरियल शूट करना था बट एज यूजुअल मेरे हस्बैंड ने करने नहीं दिया क्योंकि वो सेलिब्रेट करना चाहते थे. और मुझे अपने आप ब्यूटी जोन की रेगुलर वीडियो शूट करनी पड़ेगी, लाइक वो भी बहुत दिन हो गया उसके भी.
होली पड़ गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। आज आने को मेरे एंड यू वोंट बिलीव इट, हमने दही बड़े बनाए थे। शिट, दही बड़ा खाना। और दही बड़े रखे हुए हैं एज अ टेस्ट, मतलब उसमें से किसी ने भी एक पीस नहीं खाया है क्योंकि बहुत ठंडा हो जाएगा और मेरे को लग रहा है कि अब मुझे उसे फेंकना पड़ेगा। और दही बड़ा मैं बहुत पसंद है, बट मैं बाहर जाके खा लेती दही बड़े, और घर में इतने सारे बना के रखे और वो सारे वेस्ट होने वाले हैं। अंबर सैया, अगर वो इस लायक होंगे कि अगर मैं किसी को दे सकती हूँ तो वो अलग चीज़ है, और नहीं हुए तो मैं खुद ही फेंक दूंगी उसे। बोजो नमक वमक वाला कुछ नहीं खाता है। बोजो को तरबूज खाना बहुत पसंद है, पर अगर बोजो के खाने तरबूज, बोजो को नमक और मिर्ची वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना। आलू उसे बहुत पसंद है, चिप्स में अगर मसाला भी हो तो पानी में आप पूरा मसाला अलग करके दोगे तो ये बहुत खुश होकर खाएगा। मतलब आलू, वो आलू प्रेमी है, मतलब मुझ पे गया है पूरा। लाइक मुझे क्यूकम्बर बहुत पसंद है, उसे भी क्यूकम्बर बहुत पसंद है। मुझे आलू बहुत पसंद है, उसे भी आलू बहुत पसंद है। मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। इन्हें चिकन पसंद है, चिकन पसंद है, बट उसे चिकन 65, उसे चिकन मिलता नहीं है खाने उस इंसिडेंस के बाद। लाइक उसे राधे 2 साल हो जाएंगे ना, हेल इन द सेल 1.5 साल हो जाएंगे। हाँ, और बोजो का बर्थडे भी बनाना है 1 अप्रैल को हमें। यस, बोजो के बर्थडे की क्या तैयारी है, और उसका बर्थडे अप्रैल फूल में मनेगा। हाँ, बोजो के बर्थडे में सारे पक्स आएंगे, सारे सारे डॉग्स, ऐसा नहीं है पता है, हम लोगों के जान पहचान में जितने भी लोग हैं सच, उनके यहाँ पेट्स नहीं है। अदरवाइज सोचो सारे पेट्स आए, वो मिले, वो ऑसम। मैंने ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पे देखी है जिसमें हमने देखी नहीं राजा, जैसे पक्स पार्टी रहती है, पक्स पार्टी रहती है इंडिया। हाँ, पर बोजो के लिए तो मैं पार्टी रखूंगी, हम लोग बोजो के लिए पार्टी रखते हैं तो हम केक लाते हैं, चॉकलेट, और उसे खुद खाते हैं। बट इस बार मैं रखूंगी पार्टी, पर मैं केक लाऊंगी और मैं खुद खाऊंगी। पर बोजो के लिए मैं बहुत सारा सामान लाऊंगी जो वो खुद खाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता है, जैसे वो सॉलिड वाइट बोन आती है जो वो नहीं खाता है, वो चू स्टिक खाता है, तो वो मैं लाऊंगी। वो पेडिग्री खाता है, वो मैं लाऊंगी। वो पेडिग्री का ही एक आता है जिसमें अगर आई थिंक नॉन वेज ही आता है, जिसमें आप जैसे वो दूध और रोटी नहीं खा रहा है तो आप उसमें मिला दीजिए, वो एक लिक्विड आता है तो वो खाता है, जो वो खाता है वो मैं ले आऊँगी उसके लिए। पर केक लाऊँगी जो मैं काटूँगी ज़रूर और मैं खा लूँगी, और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। इतनी अमेजिंग लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस घर। पहले हम लोगों को लगा पेस्ट्री खा लेते हैं, फिर लगा कि नहीं, फिर हम लोगों को लगा पान खा लेते हैं, फिर हम लोगों को लगा नहीं, फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आखिरकार ये मेरी बात पे अग्री हो गए कि बाहर नहीं खाना चाहिए। और पीछे डिस्को लाइट जल रही है, जल रही ना बीबी? Yes. हाँ, तो हम लोग गाने सुन रहे थे, लॉन्ग ड्राइव। अब दिखाओ। Yes. हाँ, तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए और गाने और मतलब डांस किया हमने खूब कार में बैठे बैठे, टिन 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 टिन, और खुश करने के लिए हम अंडे लेके जा रहे हैं बोलो ताकि खुश हो जाए। वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, तो उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। जैसे अगर घर में कोई बेबी है और उसे छोड़ के गया तो उसके लिए चॉकलेट्स लेके जानी पड़ती है, उसके लिए एग लेके जाना पड़ता है। उस एक एग को मैं जाके मिक्स करूँगी पेडिग्री के साथ और वो बहुत खुश हो जाएगा, है ना राजू? Yes. और इसलिए बोजो को भी खुश करने का इंतजाम कर लिया है कि जैसे हम लोग जाएँ और बोजो आए तो बोजो को लगे कि हम खाली हाथ नहीं आए थे। 7K की लॉन्ग ड्राइव हुई, खाया कुछ नहीं, और हम लोग टी रेट पे भी नहीं गए, तो हम लोग टी रेट पे भी नहीं गए बिकॉज़ वी आर टू लेट। यस, अब हम लोग घर आ गए, अब मैं घर जाके व्लॉग एंड करती हूँ। तो अभी पहुँचे हैं घर और बहुत पहले गए थे, अभी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं और मुझे छींक आने वाली है, पता कब से आने वाली है, 1 घंटे से आने वाली है पर आ नहीं रही है। और हाय बनी, तो जो लॉन्ग ड्राइव थी वो रियल 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 अमेजिंग थी। हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, आई थिंक
हम लोग किसी पार्टी में भी जाते हैं या किसी लंच डेट पे या किसी के साथ भी जाते हैं, तो डिनर पे भी जाते हैं, तो आई थिंक इतना एंजॉय नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं, मत करो। एक लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी थी, सीरियसली ना, एक नंबर। अब वो लोग खेल रहा है, अब उसको खाना देंगे, लाइक उसको ब्राइब करना पड़ता है और उसे करने वाले हम लोग ड्राइव। सो ये थी 7K हम लोग की पार्टी जिसमें हम कुछ खा नहीं सकते थे। और थैंक यू सो मच आप सबको। मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम लोग 7000 प्लस पहुंच गए हैं। आई एम सो हैप्पी। और कल मतलब इससे पहले एक कुकिंग जोन में भी वीडियो आने वाली है, उसे देखना मत भूलिए। और अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो उस चैनल को भी फॉलो करिए और मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी मुझे। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, और कल आएगी 2 वीडियो, मतलब परसों सैटरडे ना बेबी, यस वीकेंड पार्टी टाइम। हाँ, सैटरडे को आएगी 2 वीडियो, एक आएगी 11 बजे और एक आएगी 2 बजे। 2 बजे आएगा ब्लॉग, 11 बजे आएगी अच्छी सी वीडियो, सो प्लीज़ देखना मत भूलिए। और अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गाइस गुड नाइट गाइस, बाय बाय।